हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वेबनोटेक। इस वीडियो में जानेंगे कि चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक नए तरीके से सो लेट्स स्टार्ट। तो सर्च करते हैं चैट जीपीटी। जैसे आपने ओपन ब्राउजर में करके लिखेंगे चैट जीपीटी, तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नए विंडो पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन एआई का जो जिसने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया है वो वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है कि व्हाट इज़ अ चैट जीपीटी। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी है क्या और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये आंसर देता है, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उनको कैसे आंसर देता है, ये यहाँ पे कंप्लीट गाइड किया गया हुआ है। यहाँ पे आप कंप्लीट इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह इसका क्या मीनिंग है और क्या है ये कंप्लीट। आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इसका कंप्लीट डिटेल दी हुई है। यह एक ट्रेंड है, ट्रेंड सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या एआई ओपन एआई मशीन बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पुट करते हो और इसमें आपको ये जो इनबिल्ट जो आंसर होता है वो आपको ये दे देता है। यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस भी दी हुई हैं कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट पढ़ सकते हो क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और किस तरह से काम करता है, डेवलपमेंट क्या है और कैसे इसका जो इंटरफेस है वो कंप्लीट इस वेबसाइट पे बताया गया है, वो आप कंप्लीट रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि लॉगिन किस प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे ट्राई चैट जीपीटी, ओपन विद न्यू टैब करते हैं। जैसे न्यू टैब ओपन करेंगे तो हम न्यू स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अकाउंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हो कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू विद, हम अपनी ईमेल आईडी से करेंगे। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ जो मेरी वेबनोटेक की है, वो मैं ईमेल आईडी डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे चेक मार्क करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। जो आपका पासवर्ड होगा वो यूनिक पासवर्ड होना चाहिए और उसमें स्पेशल करेक्टर का यूज़ होना चाहिए, और एटलीस्ट 8 करेक्टर्स उसमें यूज़ होने चाहिए आपके। एंड पासवर्ड सेट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओपन, जो आपको वेरीफाई मेल पर आपको एक कोड आएगा, लिंक आएगा, तो ओपन जीमेल करेंगे। आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस करेंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करेंगे। एंड उसके बाद आएगा कि आपके बारे में ये पूछेगा, टेल अस अबाउट यू। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम बताएंगे और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम ऑपरेशनल है वो आप बता सकते हैं, नहीं तो रहने दें। उसके बाद बताएंगे आप वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर ऐड ऑन है वो आप यहाँ पे नंबर ऐड ऑन करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे करेंगे सेंड कोड विया एसएमएस। तो आप जैसे कोड सेंड करेंगे तो आपके पास कोड आएगा और यहाँ पे एंटर करेंगे, सिक्स डिजिट का ये कोड होगा, वो एंटर कर यहाँ पर करेंगे। ये मैंने जो 6 डिजिट का कोड है वो मैंने एंटर कर दिया है। फाइनली ये आपसे पूछेगा हाउ विल यू प्राइमरीली यूज़ ओपन एआई, जो ओपन एआई है वो आप किस तरह से प्राइमरीली यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, आप कंटेंट राइटिंग के लिए, प्रोडक्ट या फीचर्स के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए, एआई रिसर्च के लिए।
तो जिस यूज़ के लिए आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे या चेक मार्क करेंगे एंड उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें कंटेंट या क्वेश्चंस पूछने हैं वो आपका डैशबोर्ड ये ओपन हो जाएगा। ये फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ पे एग्जांपल किस तरह से कैपेबिलिटीज़ दे रखी है और लिमिटेशंस क्या है वो आपको दे रखा है यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस से कंप्लीट गाइड से हम देख पाए कि लॉगिन हम कैसे कर सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसके नए अपडेट चैट जीपीटी 4 के नए अपडेट को आप बिंग एआई में अभी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप ये वाले वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है कि किस तरह से इसको सेटअप करना है, ये भी मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये वीडियो देखिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।